हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो वीडियो का टाइटल है हाउ इंडियन कमांडर एंड हिज वॉरशिप रेस्क्यू थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस अब्रॉड, इंडियाज ब्रेवेस्ट, सीजन टू एपिसोड टू बाय लिबरल हिंदू। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अगर हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज वो नहीं है तो उसका पार्ट मम्मा बोल रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर 2001 में 9/11 ना हुआ होता तो एक साल पहले 12 अक्टूबर के दिन हुई ये घटना आज भी लोगों को याद होती। अमेरिकन नेवी के सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक 6,000 टन का डिस्ट्रॉयर यूएसएस कोल तेल पाना खाने की तैयारियों में लगे हुए थे कि तभी एक छोटी सी बोट इसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। यूएसएस कोल के पास पहुंचते ही इस नाव में सवार दोनों आदमी ऊपर देख कुछ बड़बड़ाने लगते हैं और फिर कुछ क्षणों बाद एक बहुत जोर का विस्फोट पूरे समुद्र को हिला देता है। बोट के साथ खुद को उड़ा देने वाले ये दोनों आदमी आतंकी थे और इनकी ये बोट 300 किलोग्राम विस्फोटकों से भरी हुई थी। इस हमले में 17 अमेरिकी फौजी मारे जाते हैं जबकि 37 घायल होते हैं। इस धमाके की तीव्रता इतनी भीषण थी कि इसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर की बॉडी में 40 फीट गहरा गड्ढा बना डाला था। अगर दो लोगों से लदी एक छोटी सी नाव दुनिया के सबसे शक्तिशाली वॉरशिप को पंगु बनाने के लिए काफी थी तो इसका मतलब ये था कि अंतरराष्ट्रीय पानी में ऑपरेट करने का गेम हमेशा हमेशा के लिए बदल चुका था। यही सोचते हुए अरब की खाड़ी में मौजूद इंडियन नेवी का एक कमांडर अपने वॉरशिप को उसी बंदरगाह की तरफ घुमा रहा है जहां 15 साल पहले यूएसएस कोल के परखच्चे उड़ा दिए गए थे। ये वो समय है जब यमन में युद्ध छिड़ा हुआ है, सऊदी फाइटर विमान आसमान से आग बरसा रहे हैं और ऐसे में हजारों भारतीय नागरिक यमन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। लेकिन इंडियन नेवी का ये कमांडर और इसके 150 साथी यमन में फंसे एक भी भारतीय को पीछे नहीं छोड़ने वाले, चाहे इसके लिए इन्हें कई दिनों तक भूखा प्यासा ही क्यों न रहना पड़े। अपने देश के हजारों नागरिकों की जान बचाने के लिए इंडियन नेवी के ये वीर अपने प्राण दांव पर लगाने वाले थे। जिद पर अड़ चुके ये भारतीय नौसैनिक बार बार जलते नरक के मुंह में घुस के बाहर निकलने वाले थे। ये ऐसा करने वाले थे क्योंकि इनके लिए अब सवाल इनकी ड्यूटी का नहीं बल्कि देश के गौरव का बन चुका था। जयमा भारती। मार्च 2015, ये वो समय था जब यमन के अंदर गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। अनेकों हथियारबंद गुट सत्ता हथियाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे और इस आग में घी डालने का काम करते हुए सऊदी अरब ने ताबड़तोड़ हवाई हमले करना भी शुरू कर दिया था। हालत कुछ ये हो चुकी थी कि यमन के आसमान में ड्रैगन्स की तरह मंडरा रहे सऊदी F-16 अपने मुंह से आग छोड़ रहे थे और नीचे जमीन पर चारों तरफ खासतौर पर यमन के तटीय इलाकों में भीषण त्राही त्राही मची हुई थी। इसी दौरान इंडियन नेवी के कमांडर मिलिंद मोहन मोकाशी अरब की खाड़ी में अपने वॉरशिप को ले जिबूती की तरफ बढ़ रहे हैं, अफ्रीका का एक बहुत ही छोटा सा देश जो यमन के बिल्कुल सामने है। दोनों देशों के बीच खारे पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। 150 नौसैनिकों से लैस इंडियन नेवी का डिस्ट्रॉयर अरब की खाड़ी में एक एंटी पायरेसी मिशन पर डिप्लॉयड था जब 26 मार्च 2015 के दिन कमांडर मोकाशी को खबर मिलती है कि यमन के ऊपर सऊदी ने आक्रमण कर दिया है।
ये समाचार मिलते ही सबसे पहली चीज जो कमांडर मोकाशी के दिमाग में आती है वो थी यमन में फंसे हुए उनके देशवासी। वो जानते थे कि यमन में हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके हैं और वहां फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए वो एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। इंडियन नेवी का वॉरशिप INS सुमित्रा अरब की खाड़ी में कुछ भारतीय व्यापारी जहाजों को एस्कॉर्ट कर रहा है और इसके CEO कमांडर मिलिंद मोहन मोकाशी के दिमाग में USS कोल की घटना उछाल मार रही है। अभी 20 दिन पहले ही कमांडर मोकाशी अपने 150 नौ सैनिकों के साथ इंडियन नेवी के इस नए नवेले वॉरशिप को लेकर एडन की खाड़ी पहुंचे थे। उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक और लुटेरों से संक्रमित समुद्री रास्ते से गुजरने वाले भारतीय जहाजों को सुरक्षा प्रदान करने का जिम्मा सौंपा गया था। 29 मार्च 2015 के दिन कमांडर मोकाशी की कमांड में INS सुमित्रा जिबूती की तरफ बढ़ रहा था कि उन्हें तुरंत वापस घूम एडन बंदरगाह पर पहुंचने का आदेश दे दिया जाता है। वही बंदरगाह जहां 15 साल पहले दो आतंकियों ने USS कोल को मलबे में तब्दील कर दिया था। इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिलते ही कमांडर मोकाशी का मन खुशी से भर जाता है और वो ये मैसेज सबसे पहले INS सुमित्रा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ शेयर करते हैं और फिर ये दोनों भारतीय नौसैनिक अपने जहाज के डेक से डूबते हुए सूरज को देखते देखते यमन में होने वाले रेस्क्यू मिशन की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। अगले 36 घंटों के दौरान INS सुमित्रा का क्रू बिल्कुल चुपचाप लेकिन पूरे जी जान से इस ऑपरेशन के लिए अपने वॉरशिप को तैयार करना शुरू कर देता है। लेकिन ये तैयारी ही सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाली थी। असल में INS सुमित्रा एक ब्रांड न्यू शिप था जिसे अभी केवल 6 महीने पहले ही इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। बहुमुखी गुणों के धनी इस फुर्तीले वॉरशिप को हर प्रकार के समुद्री वातावरण में ऑपरेट करने के लिए बनाया गया था। एडन की खाड़ी के लिए निकलने से पहले कमांडर मोकाशी ने INS सुमित्रा को एंटी पायरेसी मिशन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया था। लेकिन अब उनके ऑर्डर्स पूरी तरह बदल चुके थे। अब उन्हें अपने इस जहाज के साथ साथ अपने क्रू को भी एक बिल्कुल ही अलग मिशन के लिए तैयार करना था और इसके लिए उनके पास केवल कुछ ही घंटे थे। INS सुमित्रा पर मौजूद हर आदमी 31 मार्च 2015 की रात जागते हुए बिताता है और अगले कुछ घंटों तक ये 150 नौ सैनिक आगे आने वाली हर संभव चुनौती का सामना करने की तैयारियों में लगे रहते हैं। उनका ये जहाज जिसे 150 हाईली ट्रेन्ड सेलर्स को कैरी करने के लिए बनाया गया था अब उसमें सैकड़ों सिविलियंस की बाढ़ आने वाली थी। ऐसे सिविलियंस जिनमें शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बूढ़े औरतें और बच्चे भी शामिल होने वाले थे। इसके ऊपर जहाज में जगह के साथ साथ राशन भी बहुत ही सीमित मात्रा में था। इसका मतलब ये था कि अगले कुछ दिनों तक इस जहाज पर मौजूद नौसैनिकों को भूखे पेट सोना था। इनको भूखे पेट सोना था क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि यमन से रेस्क्यू किए गए इनके देशवासी भूखे पेट सोएं। INS सुमित्रा पर मौजूद हर नौसैनिक को USS कोल के बारे में पता था। उनको पता था कि वो उसी बंदरगाह की तरफ बढ़ रहे हैं जहां 15 साल पहले अमेरिकी वॉरशिप के ऊपर घात लगा के हमला किया गया था। कमांडर मोकाशी INS सुमित्रा पर मौजूद 8 मार्कोस की एक टीम को अपने हथियारों और बोट के साथ तैयार होने का आदेश दे देते हैं। एंटी टेरर ऑपरेशंस में ट्रेंड इस मार्कोस टीम को जहाज के चारों तरफ के एरिया को सैनिटाइज करके सिक्योरिटी की एक अभेद्य लेयर बनानी थी। इसके अलावा हथियारबंद नौसैनिकों की एक टीम को तैयार होने का आदेश दे दिया जाता है। अपने सबसे पहले मानवीय मिशन पे जा रहा इंडियन नेवी का केवल 6 महीने पुराना ये वॉरशिप रणभूमि में कदम रख चुका था। इकतीस मार्च की दोपहर होते होते INS सुमित्रा की दूरबीन पर एडन बंदरगाह का दृश्य उभरने लगता है। बंदरगाह 50 किलोमीटर की दूरी पर था और कमांडर मोकाशी समेत उनके क्रू के कानों में युद्ध की पहली आवाजें पड़ना शुरू हो चुकी थी। आसमान से गिरते गोलों की धड़ाम और धमाकों से उफान मारते पानी के बीच INS सुमित्रा एडन बंदरगाह की तरफ बढ़ता रहता है जो धुएं की एक विशाल काय चादर में लिपट चुका था। एडन बंदरगाह से 22 किलोमीटर दूर पहुंचते ही INS सुमित्रा रुक जाता है। इस पोर्ट को सामान्य ऑपरेशंस के लिए बंद किया जा चुका था। सऊदी अरब इसके एयर स्पेस को कंट्रोल कर रहा था और आसमान में मंडराते उसके फाइटर जेट्स रुक रुक कर गोले बरसा रहे थे।
कमांडर मोकाशी जानते थे कि बिना सऊदी की अनुमति के और आगे बढ़ना उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। अपनी बायनोकुलर से उस समय के दुनिया के सबसे खतरनाक बंदरगाह को देखते हुए कमांडर मोकाशी सऊदी से अनुमति मिलने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन सऊदी की तरफ से कोई उत्तर नहीं आता। इसके ऊपर ना ही ग्राउंड पर मदद करने वाली कोई आंखें थी और ना ही वास्तविक सिचुएशन के ऊपर कोई इंटेलिजेंस। ऐसे में और कोई रास्ता ना दे, कमांडर मोकाशी सपोर्ट के लिए अपने हेडक्वार्टर्स को मैसेजेस भेजना शुरू कर देते हैं। आमतौर पर इस प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए आवश्यक जानकारी देने का काम उस देश में रहने वाले डिप्लोमेट्स के जिम्मे होता है, लेकिन यमन में मौजूद सभी भारतीय डिप्लोमेट्स देश की राजधानी सना में थे, जो इस बंदरगाह से लगभग 400 किलोमीटर दूर थी। इसको भाग्य ही कहा जा सकता है कि ऐसे विकट समय में भी एडन के अंदर भारतीय मूल का एक स्कूल प्रिंसिपल रह रहा था और इसने भारत सरकार से ऑनररी काउंसिल का पद भी स्वीकार किया हुआ था। कमांडर मोकाशी तुरंत इस प्रिंसिपल का नंबर डायल कर ईश्वर से कॉल कनेक्ट होने की प्रार्थना करने लगते हैं। दो तीन बार ट्राई करने पर कॉल कनेक्ट हो जाती है और कुछ घंटियां जाने के बाद वो प्रिंसिपल फोन उठा लेता है। अब तो सारा काम फटाफट हो जाएगा। यही सोचते हुए कमांडर मोकाशी एडन में मौजूद इस प्रिंसिपल से कहते हैं कि वो अपने क्रू को पोर्ट की तरफ फाइनल अप्रोच करने का आदेश दे रहे हैं, लेकिन फोन की दूसरी तरफ मौजूद ये भारतीय इतना ज्यादा आशावादी नहीं था। तनाव भरी आवाज में वो कमांडर मोकाशी से कहता है, कमांडर 5:30 बजे के बाद कुछ भी करना बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि दिन छिपने के बाद बोट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 4 बज चुके थे और अभी तक सऊदी की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया था। हमें पोर्ट की तरफ बढ़ना चाहिए, उनका ऑर्डर जब आएगा तब आएगा। ये सोचते हुए कमांडर मोकाशी अपने दिमाग में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने लगते हैं। आईएनएस सुमित्रा के डेक पर खड़ा उनका क्रू अपने ऊपर आसमान को सुनहरा होते हुए देखने लगता है और कुछ ही मिनटों के अंदर ये सुनहरापन अंधेरे में बदल जाता है। पहले से ही अत्यंत खतरनाक रेस्क्यू मिशन अब कई हजार गुना और खतरनाक हो चुका था। रात हो चुकी थी और अभी तक सऊदी अरब ने कमांडर मोकाशी को पोर्ट की तरफ बढ़ने की अनुमति नहीं दी थी। अब और इंतजार नहीं कर सकते, जो होगा सो देखा जाएगा। मन ही मन ये कहते हुए कमांडर मोकाशी अपनी मार्कोस टीम को पोर्ट की तरफ बढ़ने का आदेश दे देते हैं। अपनी अपनी असॉल्ट राइफल्स और साइड आर्म्स को चेक करने के बाद ये 8 मरीन कमांडोज एक वैनगार्ड बोट को पानी में उतारते हैं और फिर उसमें सवार हो इस प्राचीन बंदरगाह की तरफ बढ़ने लगते हैं। भारतीय मार्कोस की टीम आईएनएस सुमित्रा की तरफ बढ़ने की कोशिश करने वाली किसी भी बोट पर नजर रखते हुए बिना कोई आवाज किए आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। ये मरीन कमांडोज जानते थे कि इस इलाके में आतंकी संगठनों की कोई कमी नहीं है और ये आतंकी एक विदेशी जहाज के ऊपर हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। अपनी सांसें रोके बोट में सवार ये 8 मार्कोस थोड़ी देर बाद पोर्ट पर पहुंच जाते हैं और फिर अत्यंत सावधानी से अपनी बोट को डॉक करने के बाद एक एक करके नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। पोर्ट के चारों तरफ अच्छे से नजर फिराने के बाद मार्कोस का टीम लीडर कमांडर मोकाशी को मैसेज करके कहता है, सर अभी तो यहाँ सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन अगले क्षण कुछ भी हो सकता है और वो क्या होगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हमें जो भी करना है वो बहुत ही जल्दी और बिल्कुल चुपचाप करना होगा। मार्कोस के टीम लीडर से सिग्नल मिलते ही कमांडर मोकाशी अपने एक्सो को पोर्ट की तरफ बढ़ने का आदेश दे देते हैं। लगभग सुनसान पड़ चुका एडन शहर गोलियों और धमाकों के शोर से गूंज रहा था। इस शोर के बीच कमांडर मोकाशी इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर से भेजे गए मैप्स को डाउनलोड करते हुए अपने क्रू को हाई अलर्ट मोड में रहने का आदेश दे देते हैं। जैसे ही आईएनएस सुमित्रा एडन के तट से 6 किलोमीटर दूर पहुंचता है, कमांडर मोकाशी को ग्राउंड पर मौजूद अपनी मार्कोस टीम से एक और मैसेज मिलता है। इंडियन नेवी के मरीन कमांडोज ने पोर्ट पर कई भारतीय नागरिकों को ढूंढ निकाला था। बहुत ज्यादा सहमे हुए ये भारतीय नागरिक अपनी जान बचाने के लिए कंटेनर्स के अंदर छिपे हुए थे। ये मैसेज मिलते ही कमांडर मोकाशी का चेहरा खुशी से खिल जाता है, लेकिन जैसे ही मार्कोस टीम उनको दूसरा मैसेज देती है तो उनकी खुशी चिंता में बदल जाती है। अपनी जान बचाने के लिए पोर्ट पर छिपे इन भारतीयों की संख्या 350 के आसपास थी, एक संख्या जो आईएनएस सुमित्रा की क्षमता और क्रू की तैयारियों के हिसाब से कहीं ज्यादा थी।
ठीक 7:45 पर आईएनएस सुमित्रा पोर्ट ऑफ एडन पर डॉक करना शुरू कर देता है। इंडियन नेवी के इस वॉरशिप को देखते ही यहाँ मौजूद एकमात्र यमनी अधिकारी शिप के पास आता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, फटाफट जहाज को डॉक करो, अपने लोगों को भरो और यहाँ से निकल जाओ, और हाँ, ये सब करने के लिए तुम्हारे पास 45 मिनट है। ये कहते ही यमनी अधिकारी वापस मुड़ चलना शुरू कर देता है और कमांडर मुकाशी अपने एक्सो का मुंह ताकने लगते हैं। 45 मिनट, ये दोनों नेवल ऑफिसर जानते थे कि इतने कम समय में सभी भारतीयों को रेस्क्यू करना मुश्किल नहीं, असंभव था। इन सभी सिविलियंस को किसी भी प्रकार के वर्जित सामान के लिए चेक करने के अलावा एक और खतरा ऐसा था जिसके लिए क्रू को बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना था। ये खतरा था भेड़ की खाल में छिपने वाले भेड़ियों का खतरा। अपने शरीर से विस्फोटक लपेटे कोई आतंकी जो 500 भारतीयों से लदे इस जहाज को बड़े ही आराम से जल समाधि दिला सकता था। इस चुनौती से कैसे निपटा जाए, कमांडर मुकाशी अभी ये सोच ही रहे होते हैं कि तभी उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नई दिल्ली के नेवी हेडक्वार्टर से एक और आदेश आता है, बिना कोई समय गवाए तुरंत सभी भारतीयों को लेके वहां से निकल जाओ। जेंटलमैन, इस मिशन पर हमारे देश का सम्मान निर्भर करता है। ये सभी हमारे लोग हैं और अभी अभी एक बहुत ही बड़े ट्रॉमा से गुजरे हैं। अपने क्रू को मोटिवेट करते हुए कमांडर मुकाशी कहते हैं, इन लोगों को अपना घर बार मकान दुकान सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ रहा है। इनमें औरतें बच्चे और बूढ़े भी हैं और हमें इन सभी को बहुत ही कम समय में यहाँ से बाहर निकालना है, लेकिन हमें इनके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव भी करना है। कोई इनके ऊपर चिल्लाएगा नहीं, इनको धमकाएगा नहीं, सख्ती से काम लेना है लेकिन गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। 5 सेकंड के लिए अपनी अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारे परिवार को भी बिल्कुल ऐसे ही नरक से गुजरना पड़ रहा है। अपनी ये बात पूरी करते ही कमांडर मुकाशी पूरा जोर लगाकर चिल्लाते हैं, जेंटलमैन, लेट्स ब्रिंग आवर पीपल होम। कमांडर मुकाशी के इन शब्दों को सुन जोश से भर चुका एनएस सुमित्रा का क्रू बोर्डिंग प्रोसेस शुरू कर देता है। नागरिकों के सामान की स्कैनिंग करने के बाद उसको शिप के एक अलग हिस्से में रख दिया जाता है और हर नागरिक की फोटो खींचने के बाद हाथों से उसकी तलाशी भी ली जाती है। क्योंकि आईएनएस सुमित्रा के क्रू में एक भी महिला नहीं थी, इसलिए इन भारतीय नागरिकों में से ही कुछ बुजुर्ग महिलाओं को बाकी सभी महिलाओं की तलाशी लेने का जिम्मा सौंप दिया जाता है। आईएनएस सुमित्रा के चारों तरफ सिक्योरिटी की 2 लेयर्स बनाई जाती हैं। बाहर वाली लेयर में 8 मार्कोस को डिप्लॉय किया जाता है जिनका काम शिप की तरफ बढ़ने वाली किसी भी बोट या वेसल को न्यूट्रलाइज करना था। अंदर वाली लेयर में हथियार बंद नेवल सेलर्स की एक क्विक रिस्पांस टीम को डिप्लॉय किया जाता है जिसका काम बोर्डिंग प्वाइंट के आसपास के एरिया पर नजर बनाए रखना था। आईएनएस सुमित्रा में बोर्ड कर रहे भारतीयों में कई लोग ऐसे भी थे जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स थी। इसीलिए सबसे पहले शिप पर डिप्लॉयड डॉक्टर्स ऐसे सभी लोगों की जांच कर उन्हें दवाइयां देना शुरू कर देते हैं। इन भारतीय नागरिकों में ज्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने पिछले 24 घंटों से अन्न का एक दाना तक भी नहीं खाया था। इसीलिए बोर्ड करते ही हर व्यक्ति को सबसे पहले खाने के लिए सैंडविच और पीने के लिए पानी और चाय कॉफी दिया जाता है। आईएनएस सुमित्रा का क्रू पहले ही अपने केबिन खाली कर चुका था। चाहे वो कोई बड़ा ऑफिसर हो या फिर डॉर्मेट्री में रहने वाला एक रंगरूट, अपना बिस्तर खाली करते समय किसी भी नौसैनिक के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं होती। आईएनएस सुमित्रा की रसोई जिसके पास 150 लोगों का खाना बनाने की क्षमता और राशन था, अब उसे 500 लोगों का पेट भरना था। इसीलिए इंडियन नेवी का एक क्रू निर्णय करता है कि जब तक हर एक भारतीय सिविलियन पेट भर के खाना नहीं खा लेता, तब तक उनमें से कोई भी खाने को हाथ नहीं लगाएगा। आखिरी भारतीय नागरिक के बोर्ड करते ही मार्कोस टीम और QRT अपनी रेडी टू फायर पोजीशंस को छोड़ वापस आईएनएस सुमित्रा में चढ़ जाते हैं और इंडियन नेवी का ये समुद्री दैत्य अपनी बर्थ से बाहर निकलना शुरू कर देता है। जल्द से जल्द एडन की खाड़ी से बाहर निकलने के लिए ये जहाज पूरी रात अपनी फुल स्पीड पर सेल करता है। शारीरिक और मानसिक रूप से बुरी तरह थक चुके ये भारतीय नागरिक आज कई रातों के बाद सुरक्षित महसूस कर रहे थे और इसी सुरक्षा का कंबल ओढ़ ये चैन की नींद सो जाते हैं।
अगले दिन सुबह 7 बजे आईएनएस सुमित्रा जिबूती पहुंच जाता है, जहां भारत के विदेश मंत्री जनरल वीके सिंह अपने 350 नागरिकों का स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। यमन से 350 भारतीयों को रेस्क्यू किए जाने की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। आंखों में आंसू लिए शिप से नीचे उतर रहे सिविलियंस और मुस्कुराते हुए उनको नीचे उतार रहे इंडियन नेवी के सेलर्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती हैं। बड़े बड़े अखबारों के फ्रंट पेजेस पर छपने लगती हैं। आईएनएस सुमित्रा को रीस्टॉक किया जाने लगता है और इसके क्रू को आराम करते अभी 2-3 घंटे ही हुए होते हैं कि तभी नई दिल्ली से कमांडर मोकाशी के लिए नए ऑर्डर्स आ जाते हैं। इस बार उन्हें यमन के एक दूसरे हिस्से से भारतीयों को बाहर निकालना था, एक हिस्सा जो आग की लपटों में तब्दील हो चुका था। 1 अप्रैल के ही दिन यमन के अल हुदैदा शहर में स्थित एक विशालकाय डेयरी फैक्ट्री के ऊपर सऊदी विमानों ने ताबड़तोड़ बम बरसाए थे। भारतीयों की एक बड़ी तादाद अल हुदैदा में रहती थी और कई भारतीय भी इस फैक्ट्री में काम किया करते थे। इस हमले में भारतीय खून जरूर बहा होगा। इसी चिंता में डूबे कमांडर मोकाशी और उनके साथी अपने जहाज को फुल स्पीड पर अल हुदैदा की तरफ सेल करना शुरू कर देते हैं। एडन के मुकाबले अल हुदैदा तक पहुंचना कहीं ज्यादा मुश्किल साबित होने वाला था। यहां आने वाले जहाजों के लिए दिन में ही आने और वापस लौटने के सख्त निर्देश जारी किए गए थे। इसके ऊपर से कमांडर मोकाशी के पास इस पोर्ट के नेविगेशनल मैप्स तक नहीं थे। अगर उनके पास कुछ था तो यहां फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का ऑर्डर। आसमान में गरज रहे सऊदी विमानों के शोर के बीच एक छोटे से चैनल से होते हुए आईएनएस सुमित्रा अल हुदैदा की तरफ बढ़ तो रहा था, लेकिन एक बात जो इसके क्रू को अभी तक नहीं पता थी वो ये कि इस शहर के ऊपर हाउदी नामक एक हथियारबंद बागी संगठन कब्जा कर चुका था। दो अप्रैल की दोपहर होते होते आईएनएस सुमित्रा अल हुदैदा के बंदरगाह पर डॉक करना शुरू कर देता है। शिप पर मौजूद मार्कोस और हर एक हथियारधारी नौसैनिक मैक्सिमम अलर्ट मोड में कॉम्बैट पोजीशंस ले लेता है। आईएनएस सुमित्रा उस दिन दुनिया की सबसे खतरनाक जोन बन चुके इलाके में प्रवेश कर चुका था। आईएनएस सुमित्रा के डॉक करते ही हाउती बागियों के कुछ हथियारबंद आदमी जो इस बंदरगाह को अपने कब्जे में ले चुके थे शिप की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और इनको देखते ही शिप पर मौजूद हर बंदूक इन आदमियों की तरफ तन जाती है। कमांडर मोकाशी अपने आदमियों की तरफ बंदूक के नीचे करने का इशारा करते हुए शिप से नीचे उतरते हैं और इन बागियों की तरफ चलने लगते हैं। आपके देश में क्या चल रहा है इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हाउती बागियों को विश्वास दिलाते हुए कमांडर मोकाशी कहते हैं। हम यहाँ अपने देश के नागरिकों को वापस ले जाने आए हैं और मैं आपको वचन देता हूँ कि हम आपके घरेलू मामले में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन अगर मेरे किसी भी आदमी या सिविलियन को हल्की सी भी खरोंचाई तो मैं आपको एक और वचन देता हूँ कि यमन तो छोड़ो, पूरी दुनिया से हाउती नाम मिटा दिया जाएगा। इंडियन नेवी के इस निडर ऑफिसर के मुंह से ये शब्द सुन ये हाउदी बागी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल आवाक रह जाते हैं और फिर एक दूसरे से कुछ फुसफुसाने के बाद इनमें से एक आदमी कमांडर मोकाशी से कहता है, ठीक है तुम्हारे पास अपने लोगों को निकालने के लिए 2 घंटे हैं, 4 घंटे के बाद मुझे तुम्हारा शिप और शक्ल दोनों ही यहाँ नहीं दिखने चाहिए। ये कहते हुए ये हथियारबंद बागी अपने रास्ते लौट जाते हैं और कमांडर मोकाशी अपने क्रू को सिविलियंस की स्क्रीनिंग और बोर्डिंग शुरू करने का सिग्नल दे देते हैं। क्रू की पूरी कोशिशों के बावजूद भी यहाँ मौजूद सभी भारतीयों की बोर्डिंग कराने में घड़ी की सुई 4 से ऊपर चली ही जाती है और आखिरी भारतीय की बोर्डिंग पूरी होने के साथ साथ सूरज भी डूब चुका होता है। 317 भारतीय नागरिकों को ले ये जहाज अभी अल हुदैदा के बंदरगाह से निकलता ही है कि एक के बाद एक दो बॉम्ब इस बंदरगाह के ऊपर आकर गिर जाते हैं। अपने डेक पर खड़े दृश्य देख रहे कमांडर मोकाशी अपने एक्सो को 25 नॉट्स यानी कि 46 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से शिप को सेल करने का आदेश दे देते हैं और देखते ही देखते आईएनएस सुमित्रा बिना चांद की सिया रात के अंधेरे में ओझल हो जाता है। डेक पर मौजूद भारतीय बच्चों ने अपनी जिंदगी में पहली बार शिप देखा था और कई दिनों में आज पहली बार उनके माता पिताओं को भी उनकी कोई चिंता नहीं थी। ये बच्चे शिप के डेक पर शैतानियां करने में लग जाते हैं और उनके माँ बाप क्रू के साथ मिलकर बीमारों और बुजुर्गों की सेवा करने में।
लगभग 24 घंटे बाद 3 अप्रैल की रात 317 भारतीय नागरिकों से लदा आईएनएस सुमित्रा बिल्कुल सही सलामत जिबूती के तट पर पहुंच जाता है। एडन और अलुदैदा के बाद आईएनएस सुमित्रा को यमन के ऐशहीर नामक के कस्बे की तरफ बढ़ने का आदेश दे दिया जाता है, जहां हजारों भारतीय नागरिक पेट्रो मसीला नाम के एक ऑयल टर्मिनल पर काम किया करते थे। समुद्री तट से लगा यह कस्बा अलमुकल्ला नामक एक शहर से केवल 60 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ था और अभी 2 ही दिन पहले अलमुकल्ला के ऊपर अलकायदा कब्जा कर चुका था। अगले 40 घंटों तक फुल स्पीड पर सेल करने के बाद आईएनएस सुमित्रा 5 अप्रैल की सुबह अलमुकल्ला शहर के पास से गुजरता हुआ अत्यंत खतरनाक समुद्री रास्ते से ऐशहीर की तरफ बढ़ने लगता है। नई दिल्ली से कमांडर मोकाशी को ऐशहीर पोर्ट के मैप्स और सैटेलाइट इंटेलिजेंस भेज दी जाती है। इन मैप्स के अनुसार ऐशहीर पोर्ट सामान्य फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए नहीं था और यहां पर घाट भी नहीं बने हुए थे। इसका मतलब ये था कि आईएनएस सुमित्रा को इस पोर्ट पर डॉक नहीं किया जा सकता था। कोई दूसरा रास्ता न देख कमांडर मोकाशी निर्णय लेते हैं कि आईएनएस सुमित्रा पोर्ट से थोड़ी दूर पानी में ही अपनी पोजीशन होल्ड करेगा और भारतीय नागरिकों को बोट्स में बिठा पोर्ट से शिप तक लाया जाएगा। ये सब सोचने में आसान था, कहने में आसान था, लेकिन करने में नहीं। दिन के उजाले में सिविलियन से लदी बोट्स को बार बार सेल करवाना सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत खतरनाक साबित हो सकता था। मार्कोस टीम एक बार फिर आईएनएस सुमित्रा के चारों तरफ पानी में कॉर्डन बना लेती है और शिप के डेक पर मौजूद नेवल सेलर्स भी अपनी गन्स को रेडी टू फायर मोड में तानते हुए चारों तरफ फैल जाते हैं। सिविलियन से भरी पहली बोट अभी आईएनएस सुमित्रा तक पहुंचती ही है कि तभी मार्कोस की नजर उनके शिप की तरफ बढ़ रही कुछ छोटी बोट्स के ऊपर पड़ती है। इस समय तक इंडियन नेवी के इन रेस्क्यू मिशंस की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इंडियन नेवी भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी रेस्क्यू कर रही थी, जिनमें पश्चिमी देशों के लोग भी शामिल थे। इसीलिए कमांडर मुकाशी को एकदम साफ इंटेलिजेंस दी गई थी कि अब वो यमन में जहां भी जाएंगे वहां आतंकी संगठन उनका इंतजार अवश्य कर रहे होंगे। ये सभी बोट्स आईएनएस सुमित्रा से थोड़ी दूरी पर आकर रुक जाती हैं। ये कह पाना मुश्किल था कि किसमें सिविलियन सवार थे और किसमें आतंकी, कौन सी बोट मछलियों से भरी हुई थी और कौन सी बारूद से। कुछ भी हो जाए लेकिन बोर्डिंग नहीं रुकनी चाहिए। मार्कोस का टीम लीडर जैसे ही ये कहता है, दो मरीन कमांडोज बिजली की फुर्ती से अपने इजरायली मेड स्नाइपर राइफल्स को इन बोट्स की तरफ तान देते हैं। अगले कुछ घंटों के दौरान इतिहास के सबसे तनावपूर्ण मानवीय रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया जाता है। भारतीय नौसैनिक केवल 2 बोट्स का इस्तेमाल कर 203 सिविलियंस को इंडियन नेवी के इस वॉरशिप में बोर्ड करवाते हैं और इन कुछ घंटों के दौरान एक क्षण के लिए भी इस शिप पर मौजूद किसी भी बंदूक के ट्रिगर से उंगली नहीं हटाई जाती। उन अनआइडेंटिफाइड बोट्स में से कुछ आईएनएस सुमित्रा की तरफ बढ़ने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन ज्यादा आगे नहीं आती। 203 सिविलियंस की बोर्डिंग पूरी होते ही आईएनएस सुमित्रा फुल थ्रोटल मोड में सेल करना शुरू कर देता है और 7 अप्रैल की शाम तक जिबूती पहुंच जाता है, जहां अब तक इंडियन नेवी के 2 और वॉरशिप्स आईएनएस तरकश और आईएनएस मुंबई भी पहुंच चुके थे। पिछले एक हफ्ते से हर पल अपनी जान को खतरे में डाल भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू कर रहे आईएनएस सुमित्रा के क्रू को इस शाम पहली बार अपनी टांगे सीधी करने का समय मिलता है। कई दिनों के बाद आज पहली बार ये भारतीय नौसैनिक भारत में उनकी चिंता कर रहे अपने परिवारों से भी बात करते हैं। कमांडर मोकाशी भी कई दिनों के बाद अपनी पत्नी और बच्चों से बात करते हैं। वो उनको विश्वास दिलाते हैं कि रेस्क्यू मिशंस एकदम सामान्य से इन एंड आउट ऑपरेशंस हैं और इनमें जरा सा भी खतरा नहीं है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है और वो तो बहुत ही जल्द घर भी वापस आ जाएंगे। अपने परिवार से बात करने के बाद जब कमांडर मोकाशी फोन नीचे रखते हैं, तब उन्हें अच्छे से पता होता है कि यमन में अभी उनका काम खत्म नहीं हुआ है और उनके परिवार को उनसे मिलने के लिए अभी 2 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। कमांडर मोकाशी के नेतृत्व में आईएनएस सुमित्रा 9 और 15 अप्रैल के दिन अलहुदैदा में 2 और रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंडक्ट करता है, जिनमें क्रमशः 349 और 403 सिविलियंस को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया जाता है। कुल मिलाकर आईएनएस सुमित्रा 1621 लोगों को बाहर निकालता है, जिनमें भारत समेत 26 अलग अलग देशों के नागरिक शामिल थे। इन 26 देशों में पाकिस्तान भी एक ऐसा देश था जिसके कई सिविलियंस का जीवन इंडियन नेवी के इस कमांडर और उसके क्रू ने अपनी जान दांव पे
लगाकर बचाया था। जहां रहे के पता चले दुनिया को। यहाँ पे वीडियो खत्म हो गई और जिस किसी ने भी हमें रिकमेंड की थी बहुत ही अच्छी वीडियो थी, लेकिन एकदम थ्रिलर टाइप था, ऐसा लगने रही है पर असली में हुआ था 2015। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, जैसे उन्होंने बोला ना कि उन बच्चों ने अपनी लाइफ में पहली बार शिप देखा था, तो अगर आप लोगों ने शिप नहीं देखा है तो आई गेस आप लोग को जरूर देखना चाहिए। नेवी डे पे आई थिंक अलाउड होता है, सिविलियंस के लिए भी है शायद, कोई दिन होता है उस दिन शायद नेवी डे के दिन होता है आई गेस, हो सकता है तो उस दिन सिविलियंस के लिए भी अलाउड होता है। और अगर आप जाओगे ना शिप में, तो अगर आपको लाइक अगर ये लोग जो नेवी में होते हैं वो लोग शिप को लाइक एज अ फीमेल वो करते हैं, लाइक शी जैसे ये एंट्री मतलब लाइक अगर कोई फीमेल एंट्री करेगी ना चाहे वो तो सलूट मारते हैं उनको, तो एक माता के रूप में जैसे देखा जाता है उनको, मतलब इज्जत ज्यादा होती है औरत की शिप को, इवन शिप को भी फीमेल आप कभी देखोगे तो शी बोला जाता है, शिप को कभी ही नहीं बोलते, तो एक चीज बहुत अच्छी होती है। और हाँ, सबसे पहले तो ये उस पे थी कि यमन पे जब सऊदी अरेबिया सऊदी ने वो कर दिया था लाइक ऊपर अटैक कर रहे थे और ये लोग बोल रहे थे यमन में बहुत वो हो रहे थे मतलब अंदर ही अंदर बहुत रिवोल्ट हो रहे थे, तो जब इन्होंने बोला ना कि पहले इनको एक ऑर्डर मिला चलो ठीक है वहां से आ गए, फिर दूसरा ऑर्डर मिला मतलब और कोई शिप नहीं है क्या, फिर साइन सुमित्रा उधर गया और वही तो उस तरफ गया जो ऑलरेडी मतलब बोल रहे थे ना आग लग चुकी थी, सबसे पहले तो उसमें गया था जहाँ पे यूएसएस कोल को उन्होंने आतंकवादियों ने उसमें इतना बड़ा वो कर दिया था लाइक फोर्ट बम वगैरह कर दिया था, तो ये भी एक बहुत रिस्की बात है कि जब यूएस के शिप को उन्होंने ऐसे कर दिया तो लाइक हमारे शिप को भी कर सकते थे, तो ये बड़ी बात होती है। और फिर मेरे को ये समझ नहीं आया कि ये लोग उधर लाइक इंडियंस को लेके आ रहे थे, उसके बाद इंडियंस को लेके बीच में ही लाइक कहीं पे कर रहे थे या फिर पूरा इंडिया तक छोड़ रहे, क्योंकि पेट्रोलियम भी लगता है एंड जिसके बोल रहे थे इतनी जल्दी जल्दी सेल कर रहे थे, तो आई थिंक वो ट्रांसफर कर रहे होंगे किसी और शिप में ही हो सकता है। और ये बहुत हार्ट टचिंग बात थी कि उन्होंने बोला ना कि चाहे वो कोई ऑफिसर हो या कोई सेलर हो, उन्होंने अपनी डॉर्मेंट्रीज अपने केबिन्स खाली कर दिए थे, नहीं तो ऐसे मतलब उन लोगों के लिए हाँ, नहीं तो वो भी रेस्ट कर सकते थे, बोलते रहे थे उन्हें 2-3 घंटे की स्लीप लाइक 2-3 घंटे कोई रेस्ट करने को मिला गया दिया गया था। और खाने की भी किल्लत बता रहे थे कि भाई जैसे अपने हिसाब से लोग लेके गए अपने खाने का सामान, तो अभी इतने एक्स्ट्रा लोग अगर आ गए हैं तो जितनी उम्मीद की थी उससे भी ज्यादा खाने में भी ज्यादा थे। और ये भी था कि उसमें बुजुर्ग लाइक डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज एज ग्रुप्स के भी लोग थे, उन लोग कब से भूखे थे। और फिर एक ये भी था कि ये चीज है कि अपने इंडियंस हर जगह हर जगह आप कहीं पर भी देख लो, जैसे कि अभी यूक्रेन में है तो यूक्रेन में भी इंडियंस थे, पर इतने 20,000 बहुत ही बड़ी बात है, 20,000 थे। और इसमें एक चीज बहुत अच्छी होती है कि इंडिया, देखो इन्होंने बोला इंडियन अपने देश के साथ साथ 26 नेशंस के और उनको वो किया था, इवन बीबीसी भी कवर कर रहा था, सीएनएन न्यूज इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स कवर कर रहे थे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इवन अभी यूक्रेन वाले में भी इंडिया ने पाकिस्तानी को बचाया है, उसमें भी पाकिस्तानी थे, यमन वाले में भी, लेकिन बांग्लादेशी बहुत सभी कंट्री के हाँ। लेकिन इंडिया ने कभी ये नहीं सोचा कि इंसानियत के नाते सभी बराबर समझा सभी को, नहीं तो क्या जरूरत थी उनके शिप में, वैसे इतने ज्यादा लोग थे वो निकाल भी सकते थे कि भाई हमारे शिप में खाली अपने अपने लेके आते हो, हाँ एग्जैक्टली। और इवन यूक्रेन में भी ऐसे हुआ था कि यूक्रेन वाले आपने देखी होगी न्यूज़, तो बोल रहे थे हम इंडियन फ्लैग यूज कर रहे थे कि ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन, उनके पास फ्लैग नहीं था तो लिटरली बना रहे थे उस पे ताकि दिखाने के लिए कि हम इंडिया नहीं है। और ट्रू, और उनकी उनकी बुराई बहुत अच्छी लगी कि आपको उन पे जो भी देर लाइक शिप में आएंगे आपको उनपे चिल्लाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना। और वो लाइन बहुत अच्छी थी, गूज बम्स था लिटरली कि लेट्स ब्रिंग द पीपल होम कुछ ऐसे करके था ना, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। इवन इसमें बोला ना आयनश तर्क सुमित्रा था, आयनश तर्कश और आयनश मुंबई, सो यू नो यू शुड बी प्राउड की मतलब लाइक इंडिया, आई थिंक मैंने ऐसे किसी और कंट्री को नहीं देखा जो दूसरे कंट्रीज के सिविलियंस को भी वो कर, इवन आप देखोगे अफगानिस्तान में अमेरिका ने वो अफगानिस्तान के लोग कैसे भाग रहे थे कि लाइक हमें भी ले जाओ, चढ़ाए एक भी उसमें विमान में खाली अपने अपने हां वो बेचारे ऐसे लटक लटक के जा रहे थे लिटरली जब तालिबान का ये हुआ था, तो लाइक हर कंट्री ऐसे नहीं करती जैसे इंडिया करता है, ये ऑब्वियसली सी बात है। और
क्या था सीओ के नाम, क्या था सीओ का क्या नाम, मिलिंद मिलिंद करके कुछ था ना ऑफिसर का, सीओ का नाम। हाँ, तो इनके ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है, लाइक क्रू को मोटिवेट करना होता है। इवन न्यू दिल्ली से नेवी हेडक्वार्टर से ऑर्डर्स आ रहे थे कि नहीं आपको इसके बाद इधर जाना है, इसके बाद इधर जाना है। वो कंटिन्यू हो गया ना, मतलब उनको रुकने नहीं दिया लगातार। उनको वॉमिटिंग भी होती होगी, वॉमिटिंग होती है शिप में, क्योंकि जैसे ही समंदर की लहरें ऐसे ऐसे होती हैं तो शिप भी ऐसे ऐसे ही होता है। और अगर बड़ा शिप हो तो फिर भी स्टेबल होता है, डिस्ट्रॉयर था ना। हाँ, तो लाइक छोटे शिप में ज्यादा होती है उल्टियाँ, खून की भी उल्टियाँ होती हैं जैसे किसी किसी को, नॉर्मल उल्टी तो मैक्सिमम को होती है। और दूसरी बात कि अपने परिवार से ये लोग इतनी दूर रहते हैं, उसके बावजूद ये कॉल भी नहीं कर सकते हैं उसमें, क्योंकि नेटवर्क होता नहीं है तो कॉल पे बात नहीं हो सकती है। अभी एक अगर जहाज 4 महीने के लिए या 3 महीने के लिए चला गया है सेल करने, तो भले ही वो कोई ऑपरेशन करके आता है या नॉर्मली सेल करता है अपनी भारत की समुद्री रक्षा के लिए, बट वो अपने परिवार से दूर तो होता ही है, साथ में बात भी नहीं होता है उसका कभी भी। तो कभी अगर किसी उस पे गया, जैसे बंदरगाह के ऊपर पहुंचा, तो अगर नेटवर्क आया थोड़ा बहुत या फिर अंदर से ही, मतलब उनका जो लाइन होता है उनसे अगर करने का ऑर्डर दिया तो नहीं बता सकते कि आप पास में हैं दूर हैं, बता नहीं सकते कि पास हैं कि दूर हैं, तो वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से बहुत होता है। और देखा नहीं इसमें लास्ट में अपनी फैमिली को बोल रहे थे नहीं मैं आ जाऊंगा थोड़े दिन में, बल्कि उन्हें पता था कि उन्हें 2 महीने और लगेंगे क्योंकि उन्होंने 9th और 15th को भी ऑपरेशन किए थे। तो ये सलूट है सभी नौसैनिक को कि अपनी जान हथेली पे रख के और समंदर में चले जाते हैं, उसमें ना जमीन देखने को मिलती है ना कोई पक्षी देखने को मिलता है। इवन सबमरीन्स में तो और भी होता होगा, और भी ज्यादा है उसमें, शिप में कम से कम आप ये हो सकते हो कि आप डेक पे जा सकते हैं, डेक ही होता है ना, आप डेक पे जा सकते हो, उस पे तो वो भी नहीं है। सबमरीन तो पूरी बंद होती है, इवन सबमरीन में तो आप कभी जाना विजिट करना, लाइक हम लोग गए हैं तो सबमरीन में नहीं होती उसकी इतनी, खड़े नहीं हो सकते अच्छे से। शिप में तो ऐसे स्टैंडिंग लैडर्स होती है कि उसमें तो चलो आपको स्पेस है कि थोड़ी लाइक आप अपनी बॉडी को निकाल सकते हो। सबमरीन में आप देखना लाइक ऐसे पूरा टनल लाइक वेल जैसा होता है, कुएं जैसा होता है, आप लाइक एकदम स्ट्रेट उसमें नीचे जाते समय भी डर लगता है। वो भी है, दूसरा फिर वो लोग अच्छे से ऐसे मतलब खुल के जगह नहीं है कि वो अच्छे से खड़े हो सके, उनको मैक्सिमम ऐसे ऐसे झुक के तब मतलब ड्यूटी भी करना पड़ता है अपना और रहना भी पड़ता है। जितने भी समय तक सेल करेंगे उतने समय तक, चाहे वो 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीने हो या 10 दिन हो, हाइट नहीं होता उसका इतना। एग्जैक्टली, तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही थ्रिलर थी ये, नहीं ट्रू स्टोरी थी लेकिन हार्ट टचिंग थी एक्चुअली, ये अच्छी थी स्टोरी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो नीचे कमेंट कर देना कि हम और किसी वीडियो पर रिएक्ट करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।